गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग नोटबुक में क्वेश्चन नंबर एफ चैप्टर 15 का बना रहे थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें का एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 बच गया था, तो उस एक क्वेश्चन को आज हम पूरा करेंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो बनाना है, सॉरी वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको फॉलो करने हैं अपनाने हैं, ओके। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं या फिर बुक नोटबुक नहीं है, पेंसिल नहीं है, इरेजर वगैरह नहीं है, तो वो बच्चे अपनी उन चीज़ों को पूरा करवाएं, यानी कि मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स को बोल के ख़रीदवाएं, है ना। क्योंकि हमारे अगर हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, तो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, चाहे वो बुक हो, नोटबुक हो, पेंसिल हो, शार्पनर हो, इरेजर हो, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तभी हम पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर ये चीज़ है तो आप इनका सही उपयोग कीजिए। उपयोग क्या कि आप दिल लगा के खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, जो आपके टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, चाहे वो याद करने का हो, लिखने का हो या फिर पढ़ने का हो, उसे ज़रूर क्या कीजिए खूब मेहनत से। क्या कीजिए, अगर मेहनत से पढ़िएगा तो मम्मी पापा आपसे बहुत प्रेम करेंगे, आपकी हर बातों को मानेंगे, है ना। और आप खुद भी आप खुद पढ़िएगा तो आप एक अच्छे इंसान बनिएगा, है ना। बड़े चल के एक नाम अपना नाम रोशन कीजिएगा, और अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के, है ना, फैमिली मेम्बर्स का भी नाम रोशन कीजिएगा। इसीलिए हमें दिल लगा कर और खूब मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो ये बातें जनरल हैं जो रोज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ और बोलूँगी, ताकि आप इस चीज़ को फॉलो कर दें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, आपके माइंड से निकल जाता है। अगर मैं ये बात नहीं बोलूँगी तो आप मिस कर लीजिएगा, भूल जाइएगा, इसीलिए मेरा बोलना ज़रूरी है। और सिर्फ मैं बोलती हूँ तो आप सिर्फ सुना ना करें डायलॉग समझ के, बल्कि इसका उपयोग करें, इसको फॉलो करें, अपनाएं, ओके। तो ये बातें जो जनरल थी जो मैं रोज़ बोलती हूँ, इन बातों पर गौर कीजिएगा। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर एफ का, उसे कंप्लीट करते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, तो जो आपने क्वेश्चन नंबर एफ बनाया है 1 2 3 4, तो 4 नंबर क्वेश्चन आंसर के बाद अगर आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे, ओके। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। मुंबई में यातायात की जो प्रणाली है, साधन है, वो बहुत ही अच्छी है, बेहतर है। कैसे, किस तरीके, क्यों है, तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। हाँ,
गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाउ, मुंबई में यातायात की जो प्रणाली है, साधन है, वो बहुत बेहतर है, अच्छे है, कैसे? तो हमारा आंसर है मुंबई हैज अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज इन मुंबई पीपुल ट्रेवल बाय दी बेस्ट बसेस, बेस्ट का बी कैपिटल है, ओके, सॉरी तीनों सभी अक्षर कैपिटल है, जिसको आप कैपिटल ही लिखिएगा, BEST, ओके, बेस्ट की स्पेलिंग में चारों अक्षर कैपिटल है, बी भी कैपिटल, ई भी कैपिटल, एस भी कैपिटल, टी भी, बेस्ट बसेस एंड लोकल ट्रेन्स रन बाई दी सुबर्बन, मुंबई सुबर्बन रेलवे, सुबर्बन का एस कैपिटल, रेलवे का आर कैपिटल, ओके। तो बोला मुंबई में की जो यातायात प्रणाली है, साधन है, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मुंबई के जो लोग हैं, है ना, मुंबई में जो लोग ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वो बेस्ट बसेस से या फिर लोकल ट्रेन्स जो कि मुंबई सुबर्बन रेलवे स्टेशन से चलती है, उस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और मुंबई में और भी यातायात बाई रोड यातायात करने के लिए क्या है, टैक्सीज, ऑटो रिक्शाज एंड बाई वाटर फेरीज आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मुंबई। और मुंबई में आप टैक्सीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यातायात करने के लिए, ऑटो रिक्शा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेरीज यानी कि नौकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब, क्योंकि मुंबई क्या है, एक आइसलैंड है ना, 7 आइसलैंड का एक ग्रुप है, और मुंबई है ना समुद्री अरबियन सी के किनारे बसा हुआ है, दैट मीन्स कि उसके है ना आसपास समुद्र है, तो पानी से यात्रा करने के लिए जल के द्वारा अगर हम किसी जगह किसी शहर जाते हैं तो उससे यात्रा करने के लिए मुंबई में आप फेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मुंबई की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या है, बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है मुंबई में यातायात करने के लिए। मुंबई शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत, जैसे हम बेस्ट बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल ट्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मुंबई की यातायात जो प्रणाली है बहुत ही अच्छी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट है ना, दो पहले लिखा है 1, 2, फिर 4, 5, 3, 4 बाद में लिखाया, और आज हमने 5 लिखाया जो कि कंप्लीट है। एक बार फिर से समझा दूँ क्या है क्वेश्चन, मुंबई हैज़ अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाउ, मुंबई में यातायात के तो साधन है बहुत अच्छे कैसे। हमारा आंसर है मुंबई हैज़ अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज इन मुंबई कॉमा पीपुल ट्रेवल बाई दी बेस्ट बसेस एंड लोकल ट्रेन रन बाई दी मुंबई सुबर्बन रेलवे, ऑटो रिक्शाज टैक्सीज कॉमा ऑटो रिक्शाज एंड फेरीज आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मुंबई, है ना। मुंबई की यातायात प्रणाली बहुत अच्छी है क्योंकि मुंबई में लोग यात्रा करते हैं बेस्ट बसेस का या फिर लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करके, जो कि लोकल ट्रेन कहाँ चलती है, मुंबई सुबर्बन रेलवे स्टेशन से चलती है, और वहाँ यातायात करने के लिए हम और भी हमारे पास ऑप्शन है जैसे टैक्सीज, ऑटो रिक्शा या फेरी, जो हम मुंबई शहर में यातायात करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे वाइप करके जो हॉट क्वेश्चन है, लॉन्ग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, हॉट क्वेश्चन को मैं लिखा दूँगी। Thank you.
क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज मुंबई फुल ऑफ इंस्पायरिंग एक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, मतलब मुंबई में हमारे पूरे शहर से, पूरे देश से, है ना, देश के हर एक कोने से, है ना, अच्छे अच्छे अभिनेता, इंस्पायरिंग एक्टर्स यानी कि जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणादायक जो एक्टर हैं यानी कि अभिनेताएं हैं वो मुंबई में ही क्यों भरे पड़े हैं, है ना। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं, क्यों भरे पड़े हैं, सिंपल सा आंसर लिखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ उससे रहेंगे। ओके, मुंबई इज फुल ऑफ इंस्पायरिंग एक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री बिकॉज मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म वी वॉच आर प्रोड्यूस्ड इन मुंबई। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप। बोला मुंबई में बहुत सारे पूरे देश के कोने से यानी कि देश भर से जो है ना नेता, इंस्पायरिंग एक्टर्स सब हैं वो क्यों भरे हैं, क्योंकि मुंबई को हम जानते हैं कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के नाम से हम जानते हैं और ज़्यादातर फिल्म है ना जो हम देखते हैं वो मुंबई में ही बनती है, इसीलिए सभी एक्टर वहाँ रहते हैं और उनका वहाँ आवास भी है, निवास स्थान भी है, रेजिडेंस भी है, क्योंकि वो वहाँ से काम करते हैं और बॉलीवुड का मेन ऑफिस मुंबई में ही है। भले हम शूटिंग वहाँ, मतलब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर लोग जहाँ जहाँ पे करें, लेकिन वहीं से उसका निर्माण होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए जितने सारे एक्टर हैं जो कि इंस्पायरिंग है वो मुंबई में ही भरे पड़े हैं हमारे देश के कोने कोने से। तो हॉर्स क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि व्हाई इज मुंबई फुल ऑफ इंस्पायरिंग एक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, बोला है मुंबई है ना देश के हर एक कोने से मुंबई में इंस्पायरिंग एक्टर्स क्यों भरे पड़े हैं। तुम्हारा आंसर है मुंबई इज़ फुल ऑफ इंस्पायरिंग एक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री बिकॉज मुंबई इज़ ऑल्सो नोन एज द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई का तो एम कैपिटल रखिएगा ही, हिंदी का भी एच कैपिटल रखिएगा, फिल्म इंडस्ट्री फुल स्टॉप, मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म वी वॉच आर प्रोड्यूस्ड इन मुंबई, है ना, क्योंकि मुंबई में ही, मुंबई को हम जानते हैं है ना हिंदी फिल्मी दुनिया के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर फिल्म जो हम अपने टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या थिएटर में, फिल्म हॉल में जाकर देखते हैं वो सभी मूवी कहाँ बनती है, तो ज़्यादातर मूवी का जो
प्रोड्यूस किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उत्पत्ति की जाती है, वो कहाँ से की जाती है, तो वो मुंबई में ही की जाती है। इसीलिए मुंबई में ही बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। ओके, तो हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट और हॉट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। बुक वाले बच्चे बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 121 यानी के 121 121। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला पिक्टोरियल एनालिसिस, इसे देखिए ये क्या है। तो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीज आर फेमस प्लेसेस इन मुंबई, है ना, मुंबई की ये प्रसिद्ध जगहें हैं। चार जगह का, मुंबई शहर के चार जगह का चित्र दिया हुआ है, जो कि आपने बुक में उसके बारे में पढ़ा है चैप्टर में। ओके, तो उसको हमें क्या करना है, नेम देम। तो उस पिक्चर को ध्यान से देखिए और उसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर आप बता सकते हैं ये किस चीज़ का है, तो आप सभी बच्चे खुद ही अब्जॉर्ब करें और उसका नेम बताएं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगी, तो आप मैच कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आपका चेकिंग सिस्टम हो जाएगा। सेकेंड है, ये बनी हुई है आइडल यानी कि मूर्ति बनी हुई है, तो ये कौन सा जगह है मुंबई में जो कि काफ़ी फेमस है, और उसके बारे में क्वेश्चन भी था लॉन्ग आंसर में। ओके, तो हम इसका नाम लिखिएगा। फिर ये कौन सा जगह है मुंबई में, तो इसका नेम लिखिएगा और इसका भी नेम लिखिएगा। और आप जानते हैं इस जगह को क्वींस नेकलेस भी बोलते हैं, यानी कि रानी का हार बोलते हैं, तो वो कौन सा जगह है जो कि काफ़ी फेमस है, लोग इसे देखने जाते हैं, तो उसका नेम लिखिएगा। तो ये हमारा पिक्टोरियल एनालिसिस कम्प्लीट हो गया। ओके, और आपको क्या करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सी, इस पे ध्यान दीजिए ये क्या है। तो ये है नेम दी फॉलोइंग प्लेसेस इन मुंबई, मुंबई के इन जगहों का आपको नाम बताना है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फेमस बीच, मुंबई में जो सबसे प्रसिद्ध बीच है उस एक बीच का नाम बताना। तो मुंबई में ऐसे बहुत सारी बीचेस हैं, बीच का मतलब समुद्र का किनारा, ऐसे बहुत सारे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, तो हमें किसी एक का नाम वहाँ पे लिखना है जो कि फेमस है। उसके बाद है द फेमस केव्स नियर मुंबई, मुंबई के नज़दीक यानी कि मुंबई के ही आसपास, मुंबई शहर के आसपास जो एक प्रसिद्ध केव्स है, गुफाएं हैं, उन गुफाओं का नाम लिखना है। ओके, तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है एन एम्यूजमेंट पार्क, और मुंबई में जो एक एम्यूजमेंट पार्क है यानी कि रोचक दिलचस्प जो पार्क है ना, मनोरंजन का जो पार्क है, उस एक पार्क का नाम लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद है फोन नंबर द बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, मुंबई में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि काफ़ी बिजी रहता है। और मुंबई में क्यों, साउथ एशिया का वो सबसे बड़ा बिजीएस्ट एयरपोर्ट कहलाता है। ओके, तो उस एयरपोर्ट का नाम लिखिएगा। ओके, तो हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में आता है। ओके, और साउथ एशिया मतलब अगर आप दिशाओं को आपने पढ़ा ही होगा, चार दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और सब डायरेक्शन भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट है ना, उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो इस तरीके से डायरेक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब जो साउथ तरफ एशिया में जो साउथ डायरेक्शन पड़ता है तो उसे साउथ एशिया कहें। इस तरीके से नॉर्थ इंडियन आपने सुना होगा, साउथ इंडियन सुना होगा ना, जो साउथ डायरेक्शन पड़ते हैं वो साउथ इंडियन कहलाते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन पड़ते हैं वो नॉर्थ इंडियन कहलाते हैं ना, उसी तरीके से साउथ एशिया में जो सबसे बिजिएस्ट व्यस्त रहने वाला जो एयरपोर्ट है, मतलब वहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा ही है, प्लेन आती है रहती है, टेक ऑफ होती है लैंडिंग होती है, टेक ऑफ होती है लैंडिंग होती है, तो वो एक ऐसा बिजिएस्ट एयरपोर्ट का नाम लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वींस नेकलेस है ना, क्वींस के नेकलेस का, तो मुंबई में ऐसा कौन सा जगह है जिसको हम लोग क्वींस के नेकलेस के नाम से जानते हैं। ओके, रानी के हार के नाम से जाना जाता है, तो उस एक जगह का आप नेम लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन से याद करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, हॉट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, याद कर लीजिएगा और बनाइएगा बुक वाले बच्चे। क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स, इन प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में देना है। तो वो क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य का, राज्य की राजधानी क्या है। तो उसका उसकी राजधानी का यानी कि महाराष्ट्र राज्य है, एक स्टेट है, इस राज्य के राजधानी का नाम लिखना है। तो आप जानते हैं कौन सा है, उसका नेम लिख दीजिएगा।
ओके उसके बाद है विच टू लैंग्वेजेस आर मेनली स्पोकन इन मुंबई। मुंबई में दो ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं मुख्य रूप से, तो वो कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो आपने बुक में पढ़ा है कि मुंबई में दो लैंग्वेज जो कि मेनली यानी कि मुख्यतः रूप से बोली जाती है, उस दो लैंग्वेज का आप नेम लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द रिचेस्ट पेट्रोलियम फील्ड इन इंडिया। मुंबई में यानी कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम फील्ड खनिज तेल निकालने वाला जो जगह है उस एक जगह का नाम लिखिएगा जो कि मुंबई में है, लेकिन वो भारत देश के सबसे बड़ा खनिज पदार्थ खनिज तेल निकालने वाला वो जगह है, उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नेम टू टूरिस्ट स्पॉट्स फाउंड इन मुंबई। मुंबई में पाया जाने वाला दो पर्यटक स्थल का नाम लिखिएगा। टूरिस्ट स्पॉट मीन्स पर्यटक स्थल, जहाँ पे दर्शक लोग पर्यटक लोग घूमने आते हैं, उस जगह को देखते हैं और वहाँ का आनंद लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो वो ऐसे दो जगह का नाम लिखिए जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, है ना, घूमने के तौर पे सैर करने के तौर पे जो जाते हैं उस दो जगह का। और क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है विच इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई। मुंबई का कौन सा पर्व जो सबसे ज़्यादा है ना मेन जो फेस्टिवल है यानी कि मुख्य रूप से जो सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है उस फेस्टिवल का नेम लिखना है, उस पर्व का नेम लिखना है। देखिए मुंबई में जैसे आप जानते हैं ना दिल्ली शहर में हर धर्म के लोग हर राष्ट्र के लोग रहते हैं, उसी तरीके से मुंबई शहर में भी क्योंकि वो क्या है तो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो लोग वहाँ पे काम के वजह से है ना, और वहाँ पे बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है ना, कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन करते हैं कराते हैं और पढ़ते हैं, तो हमारे भारत देश के या भारत से अलावा भी है ना लोग जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए काम के लिए। तो कहने का मतलब है कि मुंबई में लोग काम करने के लिए रहते हैं, तो हर राज्य हर धर्म के लोग रह सकते हैं और रहते हैं, तो ऐसे तो सभी लोग अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन मुंबई शहर का जो मेन फेस्टिवल है जो महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र स्टेट में मनाया जाता है, वहाँ का मुख्य रूप का से जो फेस्टिवल जिसमें काफ़ी उत्साह से लोग मनाते हैं, तो उस एक फेस्टिवल का नेम लिखना है। तो हर एरिया का जैसे अपने बिहार का छठ पूजा काफ़ी फेमस है, उसी तरीके से बंगाल का है ना कौन सा दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है, और आपने जाना दिल्ली में भी सभी लोग हर फेस्टिवल को मनाते हैं, लेकिन दिल्ली की कहते हैं दिवाली बहुत फेमस है, उसी तरीके से मुंबई शहर का कौन सा पर्व है जो काफ़ी फेमस है जो कि वहाँ के लोग मुख्य रूप से उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस एक फेस्टिवल का नेम लिख दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर F कंप्लीट, हॉट क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो आपको रिमेंबर करना है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर F एंड हॉट क्वेश्चन फ्रॉम नोटबुक है ना ऑफ चैप्टर 15। चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर F और हॉट क्वेश्चन याद करना है, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे पिक्टोरियल एनालिसिस क्वेश्चन नंबर C एंड D उसे भी बना लेंगे, ओके। और जिनके पास बुक नहीं है दैट मीन्स कि नोटबुक वाले बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर F और हॉट्स क्वेश्चन को याद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर F का सिर्फ 5 ही नंबर आपने याद कीजिएगा, 1 से लेके 5 पांचों को याद कर लीजिएगा, ओके। और हॉट्स क्वेश्चन उसको लगा के 6 क्वेश्चन हो गया, इन 6 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, दो दो करके हर दिन मैंने लिखाया, ओके। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ तो एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, प्लेइंग आउटडोर्स, यानी कि हम जब खेलते हैं तो उस समय हमारा क्या गुड हैबिट टिप होना चाहिए, तो वो है डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया। हमें खेलने की जगहों पे खेलने के क्षेत्र में हमें खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि देखिए एक तो हम खेलते रहते हैं तो हमारा हाथ गंदा रहता है, और उसी हाथ से हम कुछ खाएंगे, चाहे वो हम बिस्किट ही क्यों ना खा रहे हैं, कुरकुरे क्यों ना खा रहे हैं, लेस क्यों ना खा रहे हैं, हमारा हाथ गंदा है तो हमारे खाना को वो गंदा करेगा जो कि हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो गंदगी खाने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाएगी जिस वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे, और पड़ सकते हैं और पड़ते भी हैं, है ना, इसीलिए नहीं कहना। दूसरी बात ये कि अगर खाएंगे तो भी हमारा हाथ गंदा हो जाएगा, तो हमारे खिलौनों में लग जाएगा और किसी के भी शरीर पर लग सकता है, हम किसी को छूते हैं पकड़ते हैं कूदते हैं, खेल में ये सारे काम तो होते ही हैं, तो गंदा हो जाएगा। इसीलिए ये गुड हैबिट टिप बिल्कुल बैड हैबिट है कि अगर आप खेल रहे हैं तो वहाँ पे खा रहे हैं, खाने की जगह पे खाइए, खेलने की जगह पे खेलिए, जिसका जो समय बना हुआ है हर एक काम हमें समय पे करना चाहिए और जगह के अकॉर्डिंग करना चाहिए, अनुसार करना चाहिए। तो आपको कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया, खेलने के जगहों पे हमें नहीं खाना है, ओके। जो होमवर्क मैंने याद करने को दिया है तो याद कीजिएगा,
और नोटबुक वाले बच्चे याद कर लीजिएगा, और जिनके पास बुक है वो बच्चे याद करने के साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चनों इन प्रश्नों का आंसर उत्तर मैं बोर्ड पे लिख दूंगी और आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे, तो जिस वजह से आपका चेकिंग हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।